नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है सभी के लिए, सभी के लिए। ऐसा कोई देखे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है। हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई और नहीं समुदाय के लिए भी, सभी समुदाय के लिए। हमने कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, एक बात बताओ, मैं 45.5 लाख आवास बने हैं और इस 45.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और बकायदा बकायदा उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए वह उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है, हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है विधानसभा सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा पहले ही भाषण में हमने इस बात को कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण नहीं करेंगे, विकास सबका होगा। योजनाओं का लाभ कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस एक सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया, यानी उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके मना किया गया, कोई नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता, राशन देने में या किसी भी योजना के लिए। हम लोगों ने तो अभियान चलाया, जिनके राशन कार्ड नहीं उनका राशन कार्ड बनाओ। आपके पास मेरे सामने बात आई कि साहब हमारे पास समय वो निभाने का प्रावधान करो, समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं, उस कोटा को क्रिएट करो, ये सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति कोई वंचित ये नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सबको उसको देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी उसी के हिस्से हैं। लोकतंत्र सेनानी के भी पेंशन की राशि को हम लोगों ने बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया और बढ़ा रहे ना उसको, सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और सभी फेजवाइज सभी होंगे। अभी ये सभी कार्यक्रम फेजवाइज आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें बहुत उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती भी बन रही है और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते जरूर जलाते हैं, वैसे जलाना चाहिए, अच्छा है। लेकिन आपने फिर भी गौ को गौ माता कहा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और गौ की रक्षा होनी चाहिए, अगर हमें प्राकृतिक खेती का यानी नेचुरल फार्मिंग के प्रधानमंत्री जी के विजन को जैसे धरातल पर उतारेंगे, बहुत सारे हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं और बजट में बुंदेलखंड को तो हम लोगों ने खास तौर पर इसके लिए चयनित किया, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में 5-5 किलोमीटर के दायरे में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है और हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के अन्नदाता किसान हैं वे इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। गाय के गोबर से अब तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, वो स्वावलंबन का आधार बनेगा, यानी केवल नेचुरल फार्मिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी उससे बनाए जा सकते हैं।
जो हर एक किसान का और पशुपालक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित मत रखिए, और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी सार्व बुद्धि से अपनी बात कहे होते। लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा, गाय का कम था। लेकिन फैट कंटेंट की जिससे लोग बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और उनको जिस रूप में कार्य करना है तो लोग बोलते हैं तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोग उसी तर्ज पर काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की, कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था और मैं जरूर नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुण खिला रहे थे लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है और जो कार्य हुआ है हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। हमारे वहां के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा भी इस बारे में कहा गया। वर्तमान में इत्र का 800 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है वहां से अकेले कन्नौज से, लेकिन इसको एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ पिछले 5 वर्ष में 55 नई इकाइयां लगी हैं आपकी कन्नौज में। सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत चयन करने के बाद, यद्यपि पहले से भी वहां इकाइयां थी, 375 इकाइयां वहां काम कर रही हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने 2.7 मिलियन US डॉलर के निर्यात यानी इत्र निर्यात किया गया है यहां से। ये उत्तर प्रदेश शासन की उस योजना को जो हम लोगों ने उस दौरान भी इसको थमने नहीं दिया है। आप लोग घोषणा करने में बड़े माहिर थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। 2017 में परियोजना के लिए 30 एकड़ खेती जो 30 एकड़ जो उसके लिए लैंड थी उसमें हम लोगों ने उस पार्क के लिए जो आवश्यकता थी उसमें 50 एकड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, जिसमें से 30 एकड़ पर इत्र पार्क और संग्रहालय कन्नौज के नाम पर इस कार्यक्रम को राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया। 30 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। IIT कानपुर को थर्ड पार्टी के रूप में इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है और वहां पर व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये कन्नौज की इत्र की खुशबू वैश्विक स्तर पर अब दमक रही है क्योंकि सरकार ने उसको प्रोत्साहन दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हंस रहे थे, ये क्या है? ये हमारी परंपरागत उद्यम का हिस्सा है, उन्हें प्रोत्साहन करने का, ये हमारे पूर्वजों की एक थाती है हमें जो विरासत में प्राप्त हुई हजारों वर्षों से, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उस संभावनाओं का प्रदेश बनाया था, यह हमारी विरासत का प्रतीक है। और इसीलिए आज देश के सबसे अधिक GI प्रोडक्ट यूपी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन इस मामले में प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट आज नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर उनकी अपनी एक अमिट छाप और एक पहचान मिल रही है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा में गए थे तो वहां उन्होंने जो गिफ्ट भी दिया वह मथुरा से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट वहां दिया था, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। कैसे अपने परंपरागत उद्यम को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में हम कार्य कर सकते हैं, ये चीजें हम लोगों ने देखा।
और यही कार्य उत्तर प्रदेश में है। आप देख, जब 2017 तक मुरादाबाद का जो ब्रश का उद्योग था पूरी तरह लड़खड़ा सा गया था, लोगों में निराशा थी, कोई काम करता था ना, उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना, उनके पास डिजाइन थी। और इस सब के साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती थी, कोई कार्य प्रारंभ अपने रिस्क पर करता भी था, लेने के भी व्यवस्था करता था, तो उनके सामने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको परेशान करने के लिए उल्टा आधमक पड़ता था। आज लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ब्रॉस का आइटम मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये पिछले 5 वर्ष के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां के उन उद्यमियों को शासन के प्रोत्साहन का ही परिणाम है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे ही भदोही का कालीन उद्योग एकदम बंदी के कगार पर था, आज लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कारपेट भदोही से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने फिरोजाबाद की बात की, फिरोजाबाद का ग्लास फिर से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और फिरोजाबाद एक नया विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद फिर से सरकार ने उनको तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें सीएनजी उपलब्ध करा रही है, हर प्रकार की सुविधाओं के साथ जोड़ना चाहती है और हर एक जनपद के लिए किसी न किसी एक प्रोडक्ट को जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। आज उसका परिणाम भी उस रूप में सामने आया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यूनियन बजट का हिस्सा बना है। आप तो अभी माननीय सांसद थे, आपने यूनियन बजट को देखा होगा। यूनियन बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया कि हर एक राज्य अपने यहां इस प्रकार की योजना को लागू करे। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2018 में इस योजना को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अगर हम लोग 2016-17 की तुलना में आज देखेंगे, 16-17 में मात्र 85-86 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पाता था, आज 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश करने की स्थिति में कर रहा है और एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने डिफेंस कॉरिडोर की भी चर्चा की और उन्होंने सिविल एविएशन की भी बात की। महोदय, मुझे सबसे पहले, हमने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे यहां सिविल एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, इस पर प्रदेश सरकार ने 5,694,98,00,000 रुपए खर्च किए। इसमें जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या, बरेली, आगरा, प्रयागराज, इन सब के साथ कार्य हुआ है, जबकि 5,694,98,00,000 ये 5 वर्ष में हम लोगों ने दिए पैसे। और 12 से 17 के बीच में कितना पैसा दिया मालूम? ये दिया मात्र 654 करोड़ रुपए और उसमें भी आपने बाद में पैसा डाइवर्ट कर दिया था, वो पैसा उस कार्य के लिए खर्च नहीं हुआ। आपने मेरठ के लिए 29.92 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, बाद में उसको भी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। और जेवर गौतम बुद्ध नगर के लिए, कुशीनगर के लिए, बरेली, आगरा, प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए ये राशि हम लोगों ने जारी की थी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय कोई भी चीज वहां पर लागू नहीं हुई, कोई पैसा उसके लिए आवंटित नहीं हो पाया। ये सच्चाई है और अगर हम इसको और आगे बढ़ा करके देखेंगे तो प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के उसमें इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 2017 तक, यानी मार्च 17 तक,
प्रदेश के दो एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का। दो एयरपोर्ट आंशिक क्रियाशील थे, गोरखपुर और आगरा। इलाहाबाद तो कुंभ के समय हुआ है, मैं 17 की बात कर रहा हूं। 2017 से 22 के बीच हम लोग 9 एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं। पहले 25 गंतव्य तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी, आज एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 77 डेस्टिनेशन है जो जिनके साथ आज हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी है और उड़ान योजना के अंतर्गत अभी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 एयरपोर्ट को और क्रियाशील करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए और उनको इस बारे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए सहमति दी है अपनी। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसको और बेहतर बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर जहां प्रारंभ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर की भी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर यूनियन बजट में डिफेंस कॉरिडोर की जो बात की थी वह 2018 के यूनियन बजट में इसकी चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने 21-22 फरवरी 2018 में जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिला। डिफेंस कॉरिडोर में जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, इस 6 नोड पर हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने 2020 के फरवरी महीने में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी, यहां पर 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन लखनऊ में हुआ था और उस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद 6 नोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे प्राप्त कार्यक्रम की आगे बढ़ाया और अब तक हमारे पास 1,598.84 हेक्टेयर भूमि हम प्राप्त कर चुके हैं और इसमें अब तक कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपए के 62 एमओयू हो चुके हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई का कार्यक्रम भी आगे बढ़ चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश एक्सप्रेस वे के साथ साथ हम लोगों ने इन सभी एक्सप्रेस वे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों की तरफ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर ध्यान आकर्षित भी किया था और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको इन मुद्दों पर पूरा बोलने का अधिकार भी था। उन्होंने अपनी बात को भी अपने तरीके से यहां पर रखा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वित्तीय समावेशन के लिए या अन्य जो भी इंडिकेटर है उन सब पर राज्य ने जो प्रगति की है आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो थीम था वह उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के बजाय कन्वर्जन के माध्यम से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। जैसे इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए रूटीन के बजट के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई अलग से हम लोग की ये केवल इस कार्यक्रम के लिए होगा नहीं, पहले से जो बजट का प्रावधान हमने बजट में किया था उसको, लेकिन हां अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। हर विभाग अपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आ रही थी, यानी जब आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उसकी चिंता याद नहीं आ रही थी, तब वोट बैंक याद नहीं आ रहा था, तब उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन आज तो उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आईटीसी स्थापित हुए, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हुए हैं, पीको मिनी पीको की स्थापना उन सभी जनपदों में की गई है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी जब कोरोना आया था, हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी। पहली मार्च से हम लोगों ने 2020 में काम प्रारंभ किया और पहली लैब केजीएमयू में हम लोग मार्च अंतिम सप्ताह में स्थापित कर पाए थे, जिसमें 72 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हो पाई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर की हैं, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर के 2,00,000 टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे जहां पर हमारे पास एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं, और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। क्या यह पिछली सरकार के का दायित्व तो नहीं था? क्या यह पिछली सरकारों का दायित्व तो नहीं था कि वे भी इसके बारे में सोचे? लेकिन कोरोना काल खंड के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज उस दिशा में एक प्रयास को आगे बढ़ाने की स्थिति थी। और नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर तो 2016-17 के आंकड़े यहां प्रस्तुत कर गए कि कितनी दुर्गति है, और दुर्गति हमारी सरकार के समय नहीं, अपनी सरकार के आंकड़ों को भूल से उन्होंने रख दिया था। खासतौर पर जैसे एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन इंडेक्स की जो आंकड़े वो दे रहे थे महोदय, वे 16-17 के आंकड़े थे जब उनकी सरकार थी, वे स्वयं सरकार में थे। उस समय सच था उत्तर प्रदेश एजुकेशन इंडेक्स में पीछे से 4 नंबर पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सुधरी है। बेसिक एजुकेशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा है। बेसिक एजुकेशन